नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जमशेदपुर के सुनारी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए दो मुहानी मरीन ड्राइव से अजय गौड, मनीष सिंह सरदार, सूरज मछुआ और विशाल लोहार नामक अपराध कर्मियों को एक देसी पिस्तल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए सोनारी थाना प्रभारी अंजनी सिंह ने बताया कि सोनारी थाना क्षेत्र में लगातार मरीन ड्राइव इलाके में लूटपाट और राहजनी की घटनाएं हो रही थी। बीते 28 नवंबर को भी एक नाई की दुकान में लूटपाट की घटना के बाद लगातार पुलिस गश्ती कर रही थी। इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग सफारी गाड़ी के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी कर कुल 6 में से 4 अपराधियों को धर दबोचा। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फरार दो अपराधियों में से एक का नाम पोटिक धीवर है, जबकि एक की पहचान की जा रही है। पुलिस जल्द ही दोनों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। साथ ही लूटपाट में प्रयुक्त सफारी गाड़ी के चालक और उसके मालिक की तलाश की जा रही है। दो तीन दिनों से सोनारी थाना क्षेत्र और स्पेशली मरीन ड्राइव के इलाके से ये शिकायत आ रही थी कि एक सफारी गाड़ी पे कुछ अपराधकर्मी ये लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि किसी से ये 500 रुपया जो है छीन लेते थे, किसी से 1000 रुपया छीन लेते थे, और संजोग से इनके द्वारा कोई बड़ी वारदात की नहीं गई और ये छोटी छोटी वारदात जो है हो रही थी, तो लोग थाना में इसकी शिकायत नहीं कर रहे थे। बट ये सुनारी पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी और पुलिस इनको पकड़ने के लिए सक्रिय थी। इसी बीच 28 तारीख के रात्रि में फिर वही सफारी गाड़ी एक मरीन ड्राइव इलाके में एक बारबर है, जिनकी छोटी सी दुकान है, उनके दुकान में इन लोगों ने वो जाकर वहाँ पर पिस्तौल जो है कि दिखाया नाई को और उसकी कुर्सी उठाकर लेकर चले गए। फिर उसके लिखित बयान के आधार पर कल FIR हुआ। और इसी बीच जब पुलिस तो पिछले दो दिन तीन दिन से लगातार इनको जो है ढूंढ ही रही थी, तो कल रात्रि में ये कुल 4 लड़के एक साथ हथियार के साथ पकड़े गए और 2 और व्यक्ति थे, कुल 6 लोग थे। और ये लोग बेसिकली जो है कि बैठकर कोई अपराध की योजना जो है बना ही रहे थे। तब तक पुलिस पहुंच गई और कुल 4 लोग, अजय गौड़, विशाल लोहार, सूरज मछुआ और मनीष सिंह सरदार, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए। इनके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा गोली बरामद हुई। 2 व्यक्ति जिनका नाम पोतिक धीवर है और एक पोतिक धीवर का दोस्त है, ये चारों के द्वारा ये बताया गया कि जो 2 लड़के भागे हैं उसमें एक का नाम पोतिक धीवर है और एक का नाम ये लोग नहीं जो है जानते हैं, वो पोतिक धीवर के साथ आया था। तो कुल 6 लोग बैठे हुए थे। इस आधार पर जो है कि ये गिरफ्तारी हुई 4 लोगों की, 2 उसमें से भागे हुए हैं और डकैती की योजना बनाने का हम लोगों के द्वारा कांड दर्ज किया गया है। और जो ये 28 तारीख के रात्रि में जो नाई के दुकान में जाकर और उसको पिस्तौल जो है भिड़ाए थे और रंगदारी की मांग किए थे, उसकी कुर्सी वगैरह जो है लेकर गए थे, उसमें ये जो चारों गिरफ्तार हुए हैं, ये चारों तो हैं ही, इसके साथ साथ एक प्रताप महानंद करके है जो कि सफारी गाड़ी का ड्राइवर है और पिछले 7-8 महीने से जो सफारी का मालिक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई ताजा खबर के साथ। नमस्कार।